कांकेर में कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे, जिनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मुलाकात करने के बाद बीजेपी कार्यालय से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक विशाल नामांकन रैली निकाली। रैली में काफी संख्या में लोग पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में विकास के जो कार्य हुए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ को एक अलग ही पहचान मिली है। भारतीय जनता पार्टी के तीन प्रत्याशियों का नामांकन आज कांकेर जिला के मुख्यालय में हमारे प्रत्याशियों ने किया और उसमें मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में, यानी इस राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ और छत्तीसगढ़ का संपूर्ण विकास के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काफ़ी काम हुए। कितनी पिछले कितनी सीट आएगी इसका दावा करेंगे आप? कितनी सीट आएगी छत्तीसगढ़ सालों में जिस तरीके की दुर्गति इस प्रदेश में हुआ, उसको लेकर जनता मर्माहत है, दुखी है। और इस बार आसन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। जनता का आशीर्वाद।